हैदराबाद पुलिस ने रहमत शरीफ नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया, जिसने दिल्ली की तर्ज पर हैदराबाद में भी फिरका वाराना फसादात रोनुमा होने के इम्कान को जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टेप वायरल किया था। ये ऑडियो गुज़िश्ता चंद दिनों से व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रहा था। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस ने रहमत शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ अहमद नगर सैयद नगर का रहने वाला ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मैं मोहम्मद शरीफ, परसों जो मेरा बच्चा जो वीडियो वायरल करा था, नाम है रहमत शरीफ, बच्चे से गलती हो गई, बच्चा नादानी में कर दिया गलती, मैं बार बार माफ़ी चाहता हूँ। कमिश्नर साहब से मेरे बच्चों को माफ़ कर दो, कमिश्नर साहब से भी मैं मेरी अब गुजारिश है कि मेरा बच्चा गलती कर दिया, मेरे गलती से माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। लिहाजा ये बच्चे का दिमाग समझ जो सही नहीं है, कभी कभी ऐसे भय के बात क्या करता है वो, मैं आपसे गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। कमिश्नर साहब की मेहरबानी है। मैं जकिया बेगम हूँ, रहमत शरीफ की अम्मी हूँ, मेरे बेटे से गलती हो गई है, मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। कमिश्नर साहब से गुजारिश है हमारी कि हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, मेरे शौहर हैंडीकैप है, मैं भी जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में, मेरे 8 बच्चे हैं खाने वाले, बहुत मजबूर हूँ मैं। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेरे बच्चे की गलती को माफ़ कर दीजिए, और सारे आम से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि सारे जितने भी लोग फ़ोन में देख रहे हैं मेरे बच्चे का वीडियो, देखने के बाद डिलीट कर दीजिए, मेहरबानी आप लोगों की, और मेरे बच्चे के ऊपर रहम कर दीजिए। जितने भी बच्चे मेरे वीडियो भेजा है देखिए, उसको डिलीट कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए आप। और सारे मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान है पूरों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा गलती करा है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चे को भी माफ़ कर दो।